नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आइए जानते हैं क्या है आज मुख्य खबरें। सऊदी अरब में पहली बार योग उत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि योग उत्सव 29 जनवरी से 1 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस योग उत्सव में कुल 1000 लोग शामिल होंगे। योग उत्सव अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के जामुन पार्क में लोग इकट्ठा होकर मनाएंगे। श्रीलंका में खाद्य संकट बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस्तेमाल में आई सारी सब्जियां खुद से ही उगाएं। सरकार इसमें नागरिकों की आर्थिक रूप से मदद भी कर रही है। आपको बता दें, सरकार ने कहा कि इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। भारत फिर से महत्वपूर्ण नीति प्रदर्शित करने वाली है। दरअसल भारत के हिंद महासागर में नौसेनाओं को बुलाकर एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, ये विशाखापट्टनम तट के निकट किया जाएगा। इस आयोजन में 5 महाद्वीपों से 46 नौसेनाओं को बुलाया जा रहा है। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो वह उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। इसका असर सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा और इससे शेयर मार्केट में भारी गिरावट भी हो सकती है।